इंट्रोड्यूस सबसे पहले तो अपने आप को कीजिए, आप कौन है, कहाँ से आई हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ ये तो किसी को भी नहीं पता, बट मैं एक मिशन के लिए आई हूँ, वो आपको पता चल जाएगा. क्या, लेकिन क्या है ये मिशन? और सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस एक बार करवा दीजिए, क्या है कौन? मेरा कुछ नाम नहीं है, कुछ पता नहीं है, मैं कहाँ से आई हूँ, बस आ गई हूँ, एक रूप में आ गई हूँ. सो या अच्छा, वही मेरा इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना जो ये टैनिंग वैनिंग जो आपने की है, चेहरे को अपना आपने बदल दिया है, तो कितनी मेहनत लगी, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको? कॉम्प्लीमेंट्स तो आई थिंक इतने मिले हैं जितनी मेरी पिक्चर्स नॉर्मली नहीं खींची गई हैं, उतना इस लुक में बहुत खींची गई हैं. लोगों को बड़ी अच्छी लग रही हूँ मैं. सो या और इसमें मेहनत भी बहुत लगी है. आई थिंक हम एक घंटे से उसको ना पूरा ऐसे ही टैन ही करने की कोशिश कर रहे थे, घुमा घुमा के ब्रश से. या ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस रूप का मेन मकसद क्या है, क्या मतलब ऐसा लगा अवनी को कि उसे ये रूप धारण करना पड़ा? क्योंकि अवनी को हर कोई पहचानते हैं, जानते हैं कि यू नो जूही भी पहचानती है, गुरुमा भी पहचानती है, सब पहचानते हैं, और नील भी उसे नहीं जाने दे रहा बाहर कहीं. सो अवनी सोचती है कि अब वो जाए तो जाए कैसे, तो वो यही रूप धारण कर लेती है. इसलिए किसी को नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई है, बट अब ये जो मिशन है अवनी का वो पूरा कर सकती है. अच्छा, हमें भी आई थिंक जब आपको देखा हम लोग भी आपको पहचान नहीं पाए थे, तो ये बताइए कि कितने लोगों ने मतलब किसी ने पहचाना कि नहीं जब आप मेकअप रूम के बाहर आए? नहीं, मैं मेकअप रूम में अंदर थी तो साउंड दादा आए मुझे माइक देने, तो पूछते अवनी का है? मैंने कहा अवनी तो नहीं है. हाँ, ध्यान से देखा, अच्छा आप ही तो हो. मैंने कहा तो दो. सो या स्टार्टिंग में पहचान नहीं पा रहे, तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं. ओके, लास्टली अवनी को नील से कितने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं ये अवतार में? बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले नील से. इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि वो ऐसे देख के ऐसे ही जा रहे हैं. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहा? लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको अब तक मिला कॉम्प्लीमेंट वो कौन सा रहा? ऐसा तो अभी तक कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है मुझे कि हाँ, आई थिंक आप ही से मिला था. आपने बोला था कि आज तुम बहुत ही बुरी लग रही हो. आई थिंक वही एक कॉम्प्लीमेंट था उससे. यार दीदी ने परेश रावल से कंपेयर, हाँ दीदी ने मुझे परेश रावल से कंपेयर कर दिया था. उन्होंने बोला था कैसे लगा परेश रावल बैठे हैं. सो हाँ, थैंक यू.